एनर्जी या फिर ऊर्जा वर्डी इनफ है मुझे लगता है कि इसका इम्पोर्टेंस या फिर क्रेज बताने के लिए, क्योंकि एनर्जी के बिना लाइफ अधूरा है, ये सेंटेंस ही मुझे लगता है गलत है। इनफैक्ट एनर्जी के बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता, ये राइट सेंटेंस है। तो ऐसे ही एक सेक्टर में अगर आपको काम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही एक पावरफुल करियर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं संजीव केळकर, IIKD के इस क्रॉसरोड सीरीज में फिर एक बार आप सभी का स्वागत कर लेता हूँ। और करियर जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो है करियर एज एनर्जी मैनेजर या फिर एनर्जी ऑडिटर। तो पहला स्कोप या फिर बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो, एनर्जी कंजम्पशन हर रोज हो जाती है, हर एक बिजनेस यूनिट, हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट, रेसिडेंशियल यूनिट, एनर्जी तो हर जगह कंज्यूम हो जाती है। और एनर्जी एक बहुत ही सीरियस इशू है, ऐसी कोई कंट्री नहीं जो एनर्जी के बाद एनर्जी के बारे में सीरियस नहीं है। तो एनर्जी कंजम्पशन तो आप मोटा मोटा यार नेट रोक नहीं सकते, लेकिन अगर एनर्जी कंज्यूम होते हुए अगर वेस्टेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, या फिर एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो उसके ऊपर काम करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एनर्जी रेडिएट हो जाती है तो प्रोबेबली रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज होगा, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेस ही रहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस बहुत कीमती रहते हैं, तो उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना हमारी जिम्मेदारी है। तो एनर्जी कंजम्पशन या फिर एनर्जी लीकेज पे और एनर्जी इफिशियंसी, ये दो एस्पेक्ट पे हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर, हर एक कंट्री वर्ल्ड वाइड काम कर लेती है। और इन सारे बातों के अपडेट्स देने के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए अगर कोई प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोफेशनल है एनर्जी मैनेजर या फिर एनर्जी ऑडिटर। क्लियर है? तो क्या है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो जैसे मैंने बोला कि एनर्जी रिलेटेड ही ये वर्क है, तो एनर्जी मैनेजर क्या करेगा? हर एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्री विजिट करेगा, और एनर्जी कंज्यूम कितना हो रही है, एनर्जी रेडिएट या फिर वेस्टेज क्यों हो रही है, अगर मशीनरी या फिर टूल्स या फिर सिस्टम आउटडेटेड है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, तो एनर्जी रिसोर्सेस ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, तो उसके ऊपर काम करना, रिकमेंडेशन देना, ओल्ड मशीनरी न्यू में ट्रांसफ़र करना, या फिर कोई अदर ऑप्शंस एनर्जी के लिए रिकमेंड करना, ये सारी बातें ग्राउंड लेवल पे एनर्जी मैनेजर करता है। एनर्जी रिपोर्ट आने के बाद उसका ऑडिट करने का और सर्टिफिकेशन देने का काम, या फिर सर्टिफिकेशन के लिए सबमिट करने का काम एनर्जी ऑडिट करता है। तो अगर नेट नेट देखा जाएगा तो क्या करता है एनर्जी मैनेजर या फिर एनर्जी ऑडिटर? Prepare an annual activity plan and prevent to management concerning financial activities to reduce energy cost. ये सबसे बड़ा जॉब है। Establish an energy conversion cell within a firm, ये भी काम करता है energy auditor, या फिर initiate activity to improve monitoring and process control energy cost reduce करने के लिए, ये काम energy auditor या फिर energy manager का है। इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस एनालिस करना, और अगर ओल्ड है तो उसको रिप्लेस करना, ये काम भी एनर्जी ऑडिटर या फिर एनर्जी मैनेजर का है। डेवलप एंड मैनेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर एक एम्प्लॉय के लिए एनर्जी कम से कम कैसे कंज्यूम हो जाएगी या फिर एनर्जी इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी, इसके लिए डेवलपमेंट या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करना भी एनर्जी ऑडिटर का ही जॉब है। क्रिएट अ नॉलेज बैंक, जो भी आप सर्वे करते हो या फिर स्टडी करते हो वो एक नॉलेज बैंक के रूप में कहीं पे स्टोर करना, ताकि आने वाली जनरेशन उसको पढ़ सके या फिर एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके, ये काम भी एज अ एनर्जी ऑडिटर या फिर एनर्जी मैनेजर करता है। नेट नेट निकाला जाएगा तो एनर्जी की कॉस्ट, एनर्जी का कंजम्पशन, एनर्जी का लीकेज या फिर वेस्टेज एंड इफिशियंसी बढ़ाने का काम एनर्जी ऑडिटर या फिर एनर्जी मैनेजर को करना रहता है। तो ये तो हो गया रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या करना पड़ेगा अगर आपको एनर्जी मैनेजर या फिर एनर्जी ऑडिटर बनना है। तो पहली एक बार ध्यान में रखिए, ये कोई अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है नहीं। आप ग्रेजुएट हो गए, 12वीं साइंस के आप स्टूडेंट हैं, तो
तीन साल, चार साल, पाँच साल का कोर्स करके आप एनर्जी मैनेजर या फिर ऑडिटर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ये एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है, आपको ये क्वालिफिकेशन अर्न करना पड़ता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, और इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट उठ के ये क्वालिफिकेशन नहीं ले सकता। इसके लिए बहुत चुनिंदा पैरामीटर्स है, वो पर्टिकुलर बंदा ही, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ही इस क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो क्या है वो क्वालिफिकेशंस, वो जान लेते हैं। अगर आपको एनर्जी मैनेजर या फिर एनर्जी ऑडिटर क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, तो आप मास्टर ऑफ साइंस MSc इन फिजिक्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप बैचलर ऑफ इंजीनियर BE होने चाहिए, या फिर BTEC, MSc इन फिजिक्स, BE एंड BTEC, ये तीन डिग्री अगर आपके पास है, इतना इनफ नहीं है, और आपके पास तीन साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है एनर्जी ऑपरेशंस मेंटेनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में, तो ही आप इस क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अप्लाई करते समय आपको बकायदा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है। अगर आप MTEC है या फिर ME है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर MTEC किया है, तो आपको दो साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, तो भी यू कैन अप्लाई फॉर दिस क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। आप अगर डिप्लोमा इंजीनियर है तो आपको 6 ईयर्स का रिलेवेंट एनर्जी ऑपरेशंस मेंटेनेंस और प्लानिंग में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप अगर MSc है तो एनर्जी ऑडिटर के एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, आप एनर्जी मैनेजर बन सकते हो। तो ये क्राइटेरिया जो है, ये क्राइटेरिया आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो ये कहने का मतलब यह है कि अगर आप JEE एग्जाम देके अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर आप MSc करने की सोच रहे हो, तो यहीं पे अगर आपको स्टकअप नहीं रहना है, एनर्जी सेक्टर में बहुत आगे निकलना है, एक अच्छा मुकाम आपको अगर हासिल करना है, तो अकॉर्डिंगली आप खुद को रिक्रूट कीजिए। ऐसे ही कंपनी में आप खुद को रिक्रूटमेंट पा लीजिए जो सर्विस एनर्जी सर्विसिंग कंपनीज है या फिर एनर्जी ऑडिटिंग कंपनीज है, तो वहाँ पे अगर आपको 3-6-5 साल का एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप 5 साल के बाद या फिर 3 साल के बाद इस क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकोगे। क्योंकि देखो, आप BE है और अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो, भले 10 साल भी काम किया, तो यू आर नॉट क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर दिस क्वालिफिकेशन एग्जाम। आप समझ रहे मेरी बात? या फिर अगर आप किसी और फील्ड में हैं लेकिन आपके पास एनर्जी रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप MTEC होने के बावजूद भी इस क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्राइटेरिया बिल्कुल ध्यान में रखिए। और एग्जाम कौन लेता है? एग्जाम जनरल लेता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ये गवर्नमेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी ही एग्जाम लेती है। साल में एक बार ही एग्जाम ली जाती है, अप्रैल महीने में एप्लीकेशंस लिए जाते हैं, सितंबर महीने में आपको एग्जाम देनी पड़ती है। कितने पेपर्स रहेंगे? जनरली आपको एनर्जी मैनेजर या फिर ऑडिटर बनना है तो टोटल 4 पेपर है। पहले 3 पेपर देके आप एनर्जी मैनेजर बन सकते हो, 4th पेपर देके आप एनर्जी ऑडिटर बन सकते हो। 3 पेपर डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। 50% मार्क्स आपको निकालने पड़ेंगे तो ही आप क्वालिफाई हो जाओगे। एंड 4th पेपर है, वो 4th पेपर आपको डिस्क्रिप्टिव एंड न्यूमेरिकल, ये टाइप का अगर आपको क्वेश्चंस रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल क्वाइट हाई रहती है। 4th पेपर जो है, जो एनर्जी ऑडिटर के लिए है, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है। आप समझ सकते हो, ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो कितना डिफिकल्टी रहेगा। तो 4th पेपर ओपन बुक एग्जामिनेशन है, वो अगर आप क्लियर करते हो तो आप एनर्जी ऑडिटर का क्वालिफिकेशन पा सकते हो। देख लेते हैं कि कौन से पेपर है। द एग्जामिनेशन पेपर फॉर एनर्जी मैनेजर एंड एनर्जी ऑडिटर्स देख लेते हैं। पहला पेपर है एनर्जी जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 150 मार्क। दूसरा पेपर रहेगा एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटी, 3 आवर्स, 150 मार्क। एनर्जी इफिशियंसी एंड एनर्जी इफिशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, 3 आवर्स, 150 मार्क। ये 3 पेपर आप अगर क्लियर करते हो तो यू विल बी एनर्जी मैनेजर।
फोर्थ पेपर है एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटी सिस्टम, ओपन बुक एग्जामिनेशन रहती है, ये भी आपको 2 घंटे की रहती है, 100 मार्क्स। तो ये अगर आप क्लियर करते हो तो आप एनर्जी ऑडिटर बन जाते हो। ओके, तो ये है क्वालिफिकेशन एग्जाम। एप्लीकेशन फी 500 रुपया रहती है, पर पेपर एग्जाम फी अलग रहेगी, और आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो 10,000 रुपीज फी आपको भरनी पड़ती है। अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो कंपनी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेशन फी 20,000 है। तो ये सारे क्राइटेरिया क्लियर करने के बाद आप 4 पेपर क्लियर करते हो तो एनर्जी ऑडिटर का क्वालिफिकेशन आपको मिल जाता है, एंड देन यूर लाइफ इज सेट। ओके, तो ये सब एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। लिंक जो है BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशेंसी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद आपका क्या रोल है या फिर क्या करियर है आपका, तो ऑल एनर्जी सर्विसिंग कंपनीज में आप अच्छा खासा रिक्रूटमेंट पा सकते हो। ऑल टाटा ग्रुप कंपनीज, रिलायंस ग्रुप कंपनीज, अडानी ग्रुप कंपनीज, CESC, शेल, भारत पेट्रोलियम, एटलस कॉपको या फिर सुजलॉन लिमिटेड, बहुत सारी बिग जायंट कंपनीज है जो एनर्जी सर्विस रिलेटेड काम करती है, वहाँ पे एज ए एनर्जी ऑडिटर या फिर एनर्जी मैनेजर के रूप में आपको अच्छी खासी रिक्रूटमेंट मिलती है, सैलरी की कोई कमी नहीं है। ओके, NTPC है या फिर पावर ग्रिड जैसी गवर्नमेंट कंपनीज भी है, और हर एक जगह एनर्जी रिलेटेड एम्प्लॉय या फिर प्रोफेशनल लगता ही है। और पैकेज देखा जाएगा तो मैंने बोला कि 10 लाख का पैकेज तो आपको आराम से मिल सकता है। इफ़ यू आर सुपर अचीवर, 25-40 लाख का पैकेज भी कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा आप BEE के साइट पे क्वालिफाइड मैनेजर्स या फिर क्वालिफाइड एनर्जी ऑडिटर की लिस्ट लगी रहती है, तो कंपनी भी आपको कहीं पर रिक्रूट कर सकती है बाकायदा किसी कंपनी में एनर्जी ऑडिट करने के लिए, या फिर कंपनी आपको अलग अलग कंपनी वहाँ के साइट से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको बुला लेती है एनर्जी ऑडिट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा करियर है, तो इसके बारे में आप सोचिए। अगर आपको सही में ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर BE करने के बाद एक मोनोटोनस जॉब में फंसना नहीं है, एट क्वाइट हायर लेवल पे आपको जाना है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन काफ़ी चुनिंदा लोगों के लिए ही है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो और अकॉर्डिंगली आप प्लान करो। इसलिए मैं फ्रेशर इंजीनियर्स को बता रहा हूँ कि अगर आपको एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा काम करना है, अच्छी खासी पोजीशन हासिल करनी है, तो इनिशियल लेवल पे आप एनर्जी सर्विस कंपनी आपके एरिया में जो भी है अवेलेबल, या फिर एनर्जी ऑडिट कंपनी, इसी कंपनी में आप जॉब ढूंढने की कोशिश करो। एनर्जी ऑपरेशंस मेंटेनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस ले लो, एंड देन यू कैन गो फॉर सर्टिफिकेशन या फिर क्वालिफिकेशन एग्जाम ऑफ एनर्जी मैनेजर एंड एनर्जी ऑडिटर। तो इसके बारे में आप जरूर जान लीजिए, एंड एक उम्दा या फिर पावरफुल करियर आप इसमें पा सकते हो। तो आई विश यू क्वाइट ऑल द बेस्ट फॉर द करियर एज अ एनर्जी मैनेजर या फिर एनर्जी ऑडिटर। और एज यूजुअल डिस्क्लेमर जो मैं बोलता हूँ कि हर सैटरडे या फिर हर वीक हम एक करियर के बारे में डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लाते हैं, तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग करियर के वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलेंगे। इस चैनल को आप शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव में, ताकि अगर कोई बंदा इस पावरफुल करियर के बारे में सोच रहा है या फिर नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कमेंट्स में कुछ लिखिए, एनर्जी मैनेजर या फिर एनर्जी ऑडिटर के करियर के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए तो, या फिर किसी पर्टिकुलर करियर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो अगले वीडियो में हम इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर एनर्जी मैनेजर एंड एनर्जी ऑडिटर। गुड लक।